3 साल टाइम, 3 साल का बाद फिर आए तो दुनिया मेरे को फिर मलमास मलमास क्यों कहते हैं? हम कहते हैं आप मल क्या कर रहे हैं, इसको गंधा मास कहते हैं। फिर इतना नहीं, फिर कोई शुभ काम भी नहीं करते, फिर ऐसे जीवन रख करके क्या लाभ है। एक दिन उन्हें दुखी होकर के श्री जगन्नाथ जी के पास में गए, जगन्नाथ जी इनके पास में गए, बोले प्रभु जी मेरे को जान से मार डालो। बोले क्यों, ऐसे ऐसी बात है, मेरे को सब मलमास कहते हैं, कोई अच्छा काम फिर करते। जब दुखी हो गए तब श्री जगन्नाथ जी बोले कोई बात नहीं, जब तुम मेरे शरण में आ गए ना, सब तुम्हारा कल्याण हो गया। भले ही हमारे अंदर में जितने दुर्गुण क्यों नहीं हो, अगर हम श्री ठाकुर जी के शरण में चले जाए ना, वो दुर्गुण भी सुगुण हो जाता है। जैसे हनुमान जी वो जात में बंदर है, लेकिन उन्होंने प्रभु राम के शरण में चले गए, सारा दुनिया में पूजा बोलेगी नहीं, सारा दुनिया इनकी पूजा करता। सबरी जात में छोटी जाति थी, लेकिन उन्होंने प्रभु राम की भजन की तो कितना सबसे ऊंची प्रेम सदाई। भगवान ने बोले झूठा बेर सबरी कथाए, बहु विध स्वाद बताए, सबसे ऊंची प्रेम सदाई। लेकिन प्रभु की शरण में सबरी चली गई, देखो सारा दुनिया उनकी पूजा करती है। जैसे कुआ का चंडाल, वो जात में चंडाल था, लेकिन प्रभु राम की सखा बन गए, प्रभु राम की शरण में चले गए, भगवान अपना उनको बराबर आसरण देते। श्री प्रह्लाद महाराज कभी राक्षस कुल में जन्म हुए, बीबीसर राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने प्रभु राम की शरण में चले गए तो भगवान राम का जब राज दरबार लगता है, भगवान राम उसको बराबर आसन देते। इसका मतलब है हमारे अंदर में जितने दुर्गुण क्यों नहीं हो, एक बार श्री ठाकुर जी की शरण में केवल चले जाओ, तुम्हारे सारे दुर्गुण सबके सब सुगुण हो जाए। इसलिए जगन्नाथ जी ने कहा देखो जब तुम मेरे शरण में आ गया, समझो तुम्हारे सारे दुख दूर हो गया। आज से मैं अपना नाम तेरे को देता हूँ, जैसे मेरा नाम श्री जगन्नाथ जी का नाम है श्री पुरुषोत्तम, जगन्नाथ जी का नाम श्री पुरुषोत्तम देव है, और जगन्नाथ पुरी का नाम क्या बोले श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। जगन्नाथ की जो राजा उनका नाम है श्री पुरुषोत्तम, इसलिए पुरी में सब उनका पुरुषोत्तम मतलब पुरुष में जो उत्तम है। इसलिए जगन्नाथ जी ने कहा देखो आज से तेरे जो नाम है, मैं अपना नाम तेरे को देता हूँ, सारा दुनिया तेरे को श्री पुरुषोत्तम महीना की बताएगा। साधारण लोगों तो इसी महीना में कोई अच्छे काम करेंगे नहीं, लेकिन मेरे जो भक्त लोग है ना, तेरे को बड़ा आदर देंगे, तेरे को बड़ी सम्मान देंगे। बोले क्यों, वो क्यों सम्मान देंगे? बोले भक्त लोग चाहते ही ज्यादा से ज्यादा हरिनाम, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की भक्ति करें। लेकिन देखना जगत का कुछ लोग कहते हैं हमारा टाइम ही पास नहीं होता है, रो क्या करते, टीवी खोल कर बैठ जाते हैं, नहीं तो दुनिया की उल्टा पुल्टा बात, इंटरनेट मोबाइल स्मार्टफोन इसको लेकर बैठ जाते हैं, साधारण लोग ये काम करते हैं। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग को पता है भैया ये मानव शरीर, ये मानव शरीर नहीं, ये कोहिनूर हीरे भगवान बने, ये कोहिनूर हीरे दिए हैं, इसका जो एक एक श्वास जो जा रही है, हैं चार, अगर किसने बोल दिया एक व्यक्ति को कि तुम्हारी अंतिम श्वास है, कोई बोले भैया तेरे को चार कोहिनूर हीरे दे रहे हैं, एक श्वास वापस ले आप, दे सकते हैं कि श्वास वापस नहीं दे सकते, कभी ये मानव शरीर नहीं, कभी ये कोहिनूर हीरे हमें दिया भगवान। और इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करते हुए हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसलिए जो भक्त लोग एक एक श्वास को वो अनमोल मानते हैं, एक एक श्वास को वो अनमोल मानते हैं, तभी हमारी श्वास की सार्थकता, अगर हर श्वास श्वास में भगवान के नाम अगर निकले तभी वो श्वास की सार्थकता है। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्णा
विश्वास की सार्थकता है। इसलिए भक्त लोग है ना, उनका समय जितनी जल्दी बीती जाती है इतनी जल्दी भक्त लोग चाहते हैं भैया ज्यादा से ज्यादा समय मिले, हम ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करें, ज्यादा से ज्यादा हम हरिनाम करें। इसलिए आप देखना दुख है ना एक पल पल भी इतना बड़ा कठिन होता है। जब जीवन में दुख आए एक पल पल दुख भी इतना कठिन, लेकिन जब आनंद आए पता नहीं सब समय कब बीत जाएगा ना, और पता ही नहीं चलता भैया समय कैसे बीत गई, क्योंकि भगवान की भक्ति में आनंद है, भगवान की भक्ति में आनंद है। इसमें आनंद में तो पता ही नहीं कैसे समय बीत जाती है। इसलिए भागवत में जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए गोपियों को छोड़कर रास लीला से, इतने में गोपियां बैठ कर गोपी गीत गाती है, वो गोपी गीत में एक गीत है बोले त्रुटि जुगायते त्वां मपश्यता कुटिल कुन्तलम् श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षताम् ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, बोले क्यों, बोले कृष्ण जब गोचारण करते हुए आते हैं बड़ी मीठी मीठी प्रभु बंसी ले जाते हैं। अब ये बंसी ध्वनि सुनकर गोपियां घर के सारे काम काज को छोड़ करके घर के सामने आ जाती और घूंघट उठा करके भगवान का दर्शन करते, और दर्शन करते समय भगवान के मुख कैसे जैसे कंबल खुल जैसे, उनकी जो घुंघड़ाली कैसे कैसे जैसे उनको कंबल खुल ऊपर जैसे भौंरा बैठा है, हैं भौंरा बैठा है। इसलिए गोपियां जब दर्शन करती, दर्शन नहीं कहते अपना आंखों के द्वारा भगवान को आरती उतारती, आरती उतारते समय आंखों का पलक जब झपकती है, अब देखना पलक झप रही है लेकिन पता नहीं पड़ता है, लेकिन इतना समय भी लगता है कि करोड़ युग जैसे बीत गया कृष्ण को दर्शन के बल। इसलिए ब्रह्मा को निंदा करते हैं, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, करोड़ों करोड़ तो आंख दिए नहीं, आंख तो दो ही दे दिए फिर उसमें बीच बीच में पलक जम रही है। इसलिए गोपियां कहती है वही लोग रसिक है जो ये पलक को काट कर फेंक दे, मतलब ये पलक झपे नहीं, तुम कृष्ण का दर्शन करना, प्रभु को दर्शन दर्शन करते रह जाए, ठाकुर जी को दर्शन करते रह जाए, पलक नहीं झपनी चाहिए। इसलिए कहती है गोपियों की ये स्थिति है। इसलिए भक्त लोग जो प्रभु की भजन करते हैं बैठ करके प्रभु का जब नाम जप करते हैं इतने आनंद उनको भक्ति में मिलता है। उसी समय भक्त लोग कहते हैं भैया सूर्य अभी उदय हुआ और अभी खत्म हो गया, जब भगवान का साथ में गोपियां रास थी जब ब्रह्मा का एक दिन जाने तो कितना करोड़ साल तक प्रभु रास थी, लेकिन गोपियों को कैसे लगा जैसे अभी अभी आए और अभी अभी खत्म हो गया, अभी आए और अभी खत्म हो गया, उनको कैसे लगती है। इसलिए भक्त लोग क्या कहते हैं भैया हमें ज्यादा से ज्यादा समय मिले, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, गीता पढ़े और ज्यादा से ज्यादा प्रभु का माला जप करें, ठाकुर जी की ज्यादा से ज्यादा माला जप करें, भक्तों की ये भावना भक्तों की है। इसलिए श्री जगन्नाथ से भक्त लोग चाहते हैं समय हमारी समय मिलता ही, इसलिए श्री जगन्नाथ जी बोले देखो आम व्यक्ति तो तेरे को आदर नहीं करेंगे, तेरे को बलमास बलमास करेंगे, लेकिन मेरे जो भक्त है ना तेरे को बड़े आदर दे, बड़े आदर देंगे। इसलिए भगवान ने कहा देखो तेरे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, तेरे को मैं वरदान देता हूँ, इसी महीना का नाम मेरा जैसे नाम तेरा नाम भी पुरुषोत्तम मास पड़ेगा। अगर इसी महीना में कोई एक माला जप करेगा ना उसको 100 माला जप करने का फल मिलेगा। एक बार अगर मंदिर की परिक्रमा लगाएगा 100 बार मंदिर परिक्रमा करने का फल मिलेगा। एक बार तुलसी की परिक्रमा करे 100 बार करने का फल मिलेगा। एक बार प्रभु का भजन करे 100 बार करने का फल मिलेगा। यहाँ पर तो तुमको इतना पता नहीं चलता है। अभी हमारी कुमार दीदी और तुम्हारी नाम क्या है, कृष्णा दीदी, अरे ये लोग अभी वृंदावन गए थे, गोवर्धन गए थे, इनको पूछ लो
रात भर वृंदावन की परिक्रमा, रात भर परिक्रमा कर रहे हैं। और गोवर्धन में एक दिन में तक 3-4 लाख लोग रोज रात भर हैं। ब्लेसिंग गिरिराज महाराज की जय। रात भर लोग गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई साष्टांग गदवत परिक्रमा कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे इतने बड़े बड़े सबके सब बच्चे भाग भाग कर रात भर वृंदावन में जाने पर पता चलता है नहीं, यहाँ पर पुरुषोत्तम महिमा पालन कर रहे हैं। और जो 84 क्रोश की जो परिक्रमा है, कहते हजार हजार लोग संपूर्ण 84 क्रोश का परिक्रमा रात भर परिक्रमा करते हैं, रात भर परिक्रमा करते हैं। इसलिए इसी महीना में हमारे मंदिर के कुछ भक्त लोग, जब हमारे बड़े गुरु जी थे, जब हमारे श्री बड़े गुरु जी थे, जब पुरुषोत्तम महीना होता था तो जगन्नाथ पुरी जाता था, क्योंकि जगन्नाथ पुरी का नाम श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, ठाकुर का नाम पुरुषोत्तम देव है और राजा का नाम भी पुरुषोत्तम है, इसलिए वहाँ पर जाना इसी महीना में उसको बहुत बड़ा स्फूर्ति बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए हमारे मठ से कुछ भक्त लोग भी 10 दिन तक, कोई 15 दिन तक, कोई जगन्नाथ पुरी गए थे, वहाँ पर पूरा जगन्नाथ पुरी के दर्शन किए और वहाँ का आनंद लिए, वहाँ की आनंद लिए है। और इसी महीना में एक पे तो भगवान कहते ना, जो एक माला करेगा सब माला करने का फल मिलेगा। फिर इसी महीना में कि जो भागवत कथा सुनना है ना, समझो उसमें 4 चांद लग गया, उसमें 4 चांद लग गई, क्योंकि एक बार अगर भागवत कथा सुनोगे तो कितना बार भागवत सुनने का फल मिलेगा, 100 बार भागवत कथा सुनने का फल मिलेगा। फिर दूसरी बात क्या है, श्री जगन्नाथ जी को सामने बैठ करके, श्री इन जगन्नाथ जी, इनका नाम ही पुरुषोत्तम है जगन्नाथ जी, फिर इनको सामने ये सब देख रहे ना, इतने बड़े बड़े हाथ खोल कर देख रहे हैं। देखो इसी महीना में, और मेरी कथा को भागवत कृष्ण कथा जगन्नाथ जी कथा है, इसलिए मेरी कथा को मेरे सामने बैठ कर कथा सुन रहे, मतलब ये बहुत बड़े एक भक्ति की अंग है, बहुत बड़े एक भक्ति के अंग, जो जगन्नाथ जी को सामने बैठ करके जगन्नाथ जी की कथा सुनना, ये बहुत बड़ी चीज। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय, जय श्री राधे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं, इसलिए आज हम लोग श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को सुनेंगे। ये भागवत कथा है क्या चीज, और ये भागवत कथा सुनने से हमें क्या मिलता है, इसकी आज हम पूरी महिमा, आज दिन भर केवल भागवत कथा की महिमा को सुनेंगे। हमारे बीच में अलग हमारे श्रीकांत प्रभु जी आपको थोड़ी सी भागवत की महिमा सुनाएंगे, एक बार ये भागवत कथा की थोड़ी सी महिमा सुनाएंगे, फिर मतलब नीचे वंदना कुटी सुनते गुरु वैष्णव भगवान तिमिरस्मरण हय विघ्न विनाशनमचितपूरण वाछाकल्पकृभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अस्मद् गुरुपाद पद्म श्री श्रीमन् श्री भक्ति वेदांत त्रिदंड स्वामी श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज का चरण कमल शास्त्र का अनुवाद प्रणाम जनाई, तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित भगवत कथा विकाश वैष्णव वैष्णवी वृंदावन से आयु हे वैष्णव छोट बड़ आओ सबका चरण दंड।
बताया भागवत और महिमा थोड़ी से बोलने के लिए। भागवत और महिमा गुरु जी बहुत बार बता चुके हैं, आप लोग सुने दो ग्रंथ में वर्णन है, एक है पद्म पुराण दूसरा है स्कंद पुराण। किंतु यहाँ पर प्रश्न होता है भागवत महिमा भागवत में क्यों दिया गया नहीं, इसमें तो भागवत दे सकते, अन्य अन्य पुराणों में क्यों भागवत का महिमा बताया। व्यासदेव ने बताया बड़ा बड़ाई ना करे बड़ा ना बोले वो हीरा ना हीरा मुख से ना बोले लाख हमारा मोल। जो बड़ा होकर की अपना गुणगान करेगा आगे मैं बताऊंगा क्या होगा, इसीलिए खुद खुद का गुणगान नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा मैं बताऊंगा। इसीलिए अन्य अन्य पुराण में बताया, इसीलिए वही भागवत महाभारत में बताया। एक बार अर्जुन ने बताया मेरे को कोई निंदा करने से मैं सहन करूंगा, किंतु मेरा गांधी को कोई अपमान करेगा निंदा करेगा मैंने उसी को जान से मार दूंगा, नहीं मार पाऊंगा तो मैंने खुद आत्महत्या करूंगा। किंतु भगवान का ऐसा लीला है, एक बार द्वारका में ब्राह्मण का बच्चा चोरी हुआ था, आप लोग सुने, उसी कारण से अर्जुन बचाने के लिए गया, बचा नहीं बचा नहीं पाया। युधिष्ठिर महाराज बताया ठीक तेरा अर्जुन तेरा जीवन ठीक तेरा गांडीव भी ठीक तेरा गांडीव भी कहां गया। किंतु अर्जुन शपथ लिया था मेरे को कोई अपमान करेगा मैं सहन करूंगा, किंतु मेरा गांडीव को कोई निंदा अपमान करेगा मैं उसको जान से मार दूंगा, मत बाप मैंने आत्महत्या कर दिया। किंतु बड़ा भाई है, बड़ा भाई बाबत लोग आप कैसे मारेगा, अपना सोचा मैं आत्महत्या करूंगा। जैसे आत्महत्या करने के लिए गया, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान गीता में बताया मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं, कैसे विनाश होगा। अर्जुन को बताया हे अर्जुन तू अपना गुणगान कर, जो व्यक्ति अपना गुणगान करता है वही व्यक्ति सबका सामने मरना बराबर होता है। इसीलिए अर्जुन तुरंत अपना गुणगान किया, मैंने महा जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर था बहुत लोग आए थे, जैसे कोई आएगा तो गेट खोल बैठ सकते। इसीलिए दोनों पुराणों में बताया गया अर्जुन अपना गुणगान नहीं किया जो मृत समाज होता है, इसीलिए भागवत अपना गुणगान नहीं करके अन्य अन्य पुराण गुणगान किया। क्या किया भागवत ने, जो कौन देखा भागवत व्यासदेव ने, व्यासदेव भागवत जब रचना किया पहला श्लोक में देखा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतव तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसमें व्यासदेव ने बताया भगवान कौन है, किसी को प्रणाम करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है, भगवान क्या करते हैं। किंतु अभी हमारा समाज में किसी मुसलमान को पूछो भगवान कौन है, मुसलमान बताएगा भगवान एक है, कौन है
अल्लाह है भगवान, दूसरा कोई भगवान है नहीं। किंतु अगर क्रिश्चियन को पूछो बताएगा भगवान कौन है, क्रिश्चियन भी बताएगा भगवान एक है, जीसस क्राइस्ट भगवान है, जीसस क्राइस्ट। किंतु हमारा हिंदू लोग को पूछो, कोई बोलेगा भगवान हनुमान है, कोई बोलेगा शिव जी भगवान है, कोई बोलेगा गणेश भगवान है, कोई बोलेगा देवी मैया भगवान है। अभी कुछ भगवान निकले मनुष्य नहीं बोलते हैं, तू भी भगवान मैं भी भगवान। किंतु इसी को युक्ति करने का आवश्यकता नहीं है, वही व्यासदेव बताया तर्क अप्रतिष्ठा सुना नाना। बहुत सारा ऋषि अन्य सबका मत है, जो जिस प्रकार कुछ बोलते भागवत में भगवती ब्रह्मति परमात्मा की भगवान है, कोई ज्ञान रूप में बोलते भगवान निराकार है, कोई अंकुश रूप में थोड़ा दर्शन करता है, जो भक्त है संपूर्ण आस्वादन करता होता। इसीलिए व्यासदेव जिस को माना उसी को मानना पड़ेगा। दूसरा बताया स्वयंभू नारद शंभु कपिल कुमार, हमारा द्वादश महाजन जिसको भगवान माना, जिस रास्ता में गया हम लोग को उसी को भगवान मानकर उसी रास्ता में जाओगे, उसी भगवान को प्रणाम करोगे तो सबका कल्याण होगा। किंतु क्षमा करना एक बात बोलूंगा, कोई मानो नहीं तो मतलब, अभी तो सारा दुनिया में कुछ लोग भगवान मानते थे, किंतु भगवान बताया पूर्ण माधव पूर्णमी तो शास्त्र बात है, भगवान सब चीज पूर्ण है। भगवान मतलब छड़ा ऐश्वर्य जिसका पास है उसमें एक है पैसा, श्री श्री मतलब लक्ष्मी, जिसका पास परिपूर्ण एक लक्ष्मी नहीं सहस्र लक्ष्मी संभव से मान सह सह लक्ष्मी, जिसी समय भगवान वृंदावन में जन्म लिए सह सह लक्ष्मी झाड़ू लगाने के लिए आए थे। किंतु यहाँ पर कुछ भगवान बड़ोदर भी बन गए, बड़ोदर भी कुछ भगवान बन गए। बोलते भगवान जो बैठा हुआ है वो भिखारी है, हम लोग भगवान है, पैसा हम लोग नहीं देने से मंत्र में नहीं जाने से भगवान का मंदिर बंद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं होगा। भगवान का जब तक इच्छा है भगवान मंदिर चलेगा। क्यों आप लोग प्रमाण देखेंगे, जो व्यक्ति भगवान मानते थे खुद को, जो मंदिर चलाते थे भगवान को भिखारी मानते थे, पैसा मंदिर में अभाव हो रहा था, मंदिर नहीं चलता था, इसी के लिए बहुत बार झगड़ा था। जिस समय वो व्यक्ति पैसा देना बंद कर दिया, अभी कुछ दिन हुआ अभी 1,00,000 रुपया बच गया, प्रमाण बोलोगे मैं देखा दूंगा, जिसको बुलाऊंगा वो बताएगा कितना पैसा है मंदिर में बच रहा है पैसा। मनुष्य भगवान है नहीं, कारण मनुष्य का होता है 5 चीज द्वारा शरीर गठन, कितना 5 चीज द्वारा क्या क्या है, पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पृथ्वी जल आप लोग सब पंडित हो जानते हो, मैं बताना चाहता हूँ। किंतु भगवान का शरीर 3 चीज द्वारा 7 चीज आनंद, उनका कर्म क्या है, हमारा क्या कर्म है, हमारा कर्म है खाना सोना ताटी पीसा वगैरह, दूसरा कुछ नहीं। किंतु भगवान इसी श्लोक में व्यासदेव बताते हैं, मैं नहीं बताता, व्यासदेव बताते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादि हेतु, विश्व को सृष्टि करते हैं, हम लोग एक बच्चा भी सृष्टि नहीं कर सकते। जब लड़का आएगा सृष्टि करने के लिए तैयार होगा, जब लड़की आएगा डॉक्टर के पास सच्चा अपना बच्चा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, एक बच्चा सृष्टि करने के लिए तैयार नहीं। किंतु भगवान विश्व उत्पत्ति सारा विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करते, केवल विश्व सृष्टि नहीं, सृष्टि भी करते पालन भी करते संहार भी करते।
केवल इतना नहीं, बताया जो भगवान है तापत का अविनाशा है, उनका नाम लेकर उनको एक बार जो व्यक्ति प्रणाम करेगा तापत्रय तीन ही ताप से वो व्यक्ति संपूर्ण उद्धार हो जाएगा। तीन ताप है कौन बताएगा? आध्यात्मिक, आदि भैदिक, आदि भौतिक। किसी को नहीं होगा तो बता देना, सबसे दुख है एक है मानसिक चिंता, मानसिक अभी बहुत जगह में मैं तो देखा नहीं, गुरु जी बोलते बहुत जगह भारत में गया, भारत बाहर के विदेश गया, गुरु जी बोलते अभी बहुत जगह में डॉक्टर स्कूल भी खोल दिए सरकार, डॉक्टर आते माइंड को ठीक करने के लिए, स्कूल खोल दिया, टीचर आते मानसिक चिंता दूर करने के लिए, किंतु दूर नहीं हुआ, किसी का दूर हुआ मानसिक चिंता? आदि भौतिक जो जीव जीव को दुख देता, देखने के लिए संसार में मिलता, मच्छर जैसा एक मनुष्य को काटा वो जीव दुख दिया, मनुष्य मच्छर को चाटा मारा वो दुख दिया, किंतु ये संपूर्ण दुख है नहीं, जो ये मच्छर से ज्यादा दुख नहीं, ज्यादा तो दुख मैं बोलूंगा जो अपना जिसको बोलते स्वजनाख्य वस्तु प्रहलाद महाराज बोलते स्वजनाख्य रस्य, जो स्वजन जिसको अपना जन बोलते ना, हमारा बेटी है, हमारा बेटा है, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा पिताजी, वही व्यक्ति ज्यादा दुख देते हैं, बताओ कौन नहीं दुख देता? असली व्यक्ति जो जीव का जीव द्वारा दुख देते हैं। तीसरा हुआ आदि दैविक देवता का कार्य होता, अभी हमारा भारत में बहुत कोशिश किया, इलेक्ट्रिक लगाएंगे, गुरु जी को बुलाएंगे, भागवत कथा करेंगे, पांच पास ऐसी फिटिंग कर दिया, 50-50 कूलर लगा दिया, एक भी चलने के लिए हिम्मत नहीं, कौन किया? देवता लोग कर दिया, क्योंकि हम लोग तो खुद को भगवान मानते हैं, भगवान को भिखारी मानते हैं, इसीलिए देवता लोग पैसा दिया। ये जो तीन ताप उधार होना, भगवान को एक बार प्रणाम करोगे तीन ताप से उधार हो जाओगे। भगवान कौन है? व्यास जी ने बताया श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री मतलब लक्ष्मी, जो लक्ष्मी अनंत शयन में भगवान कृष्ण जब सरसज्जा पे लेटे हुए लक्ष्मी प्यार दबाते हैं, वो लक्ष्मी नहीं है, जो मूला लक्ष्मी, जो मूला लक्ष्मी भगवान जिसका प्यार दबाते हैं उस समय राधा रानी, राधा रानी का एवं कृष्ण श्री कृष्ण, श्री कृष्ण राधा रानी एवं कृष्ण, वही दोनों को व्यास देव ने स्वीकार किया भगवान है, उसी भगवान को जो व्यक्ति प्रणाम एक बार भी करेगा उसी का तीन ताप से उद्धार हो जाएगा। यही बात भी भगवान गीता में बताया, ये व्यास देव बताया, गीता में भी भगवान बताया, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरा पास आजा सब कुछ छोड़ दे, मनमाना भव मत भक्ता माम जाति माम नमस्ते, मुझे प्रणाम कर, मुझे प्रणाम करने से क्या होगा, जगत्वा न निवर्तन्ते तथा परम, जहां पर जीव जाने से कभी भी दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता, उसी जगह में पहुंच जाओगे। इसीलिए तर्क नहीं करके जब भगवान व्यास देव जिसी को बताया, हमारा जो महाजन द्वादश महाजन जिसी को बताया, जिसी रास्ता में गया उसी रास्ता में उसी भगवान को मानकर जाओगे तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र की।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन गाते हैं बढ़िया से, हम लोग ताली को ही नहीं बजाए तो इतना बढ़िया। आप लोग तो बात में आए, प्रभु से पहले बहुत बढ़िया भजन हम ब्रजराज भैया इस बार चाहता है भजन सुन के। हाँ क्या भजन गया क्या भजन बंसी का बोल देता हूँ महाराज। ये खेमटा में है महाराज, हाय राम कैसी बजी श्याम की बसुरी है। आप जो आदेश करें महाराज। I'm gonna make it right।
Yeah.
परेश
इसलिए इसका नाम किया है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् मतलब श्री राधा जी की ये प्रेम है। राधा रानी कृष्ण प्रेम में जब दीवान बनती हैं तब ये भागवत कथा प्रदान करती है। इसलिए भागवत नहीं राधा रानी कृष्ण प्रेम को लुटा दी है। इसका नाम भागवतम। बोले भा मतलब क्या? बोले भाधी सर्वेषु लोकेषु, मतलब है जिसका शोभा समस्त लोक में। इसलिए श्री उद्धव जी स्वयं कहते हैं, बोले गुरु जी मेरे को एक कथा सुनाए थे, बोले जिस समय भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को सृष्टि की, अभी ब्रह्मा जी को बोले सृष्टि करो, शंकर जी को बोले संहार करो और विष्णु को बोले पालन करो। ब्रह्मा जी कहते प्रभु ये जो सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, तो ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले ये भागवत अगर 7 दिन तक सुनोगे ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं करेगा। शंकर जी बोले प्रभु ये दुनिया को संहार कैसे करो? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब स्वयं शंकर जी कथा सुनाते हैं, माता पार्वती बैठ करके कथा सुनती है। कितना दिन तक? हम लोग तो 7 दिन कथा सुनेंगे, लेकिन शंकर जी कौन है? बोले वैष्णव नाम कथा संभव, भगवान की सबसे प्यारे भक्त श्री भोले बाबा जब कथा करते हैं ना, इतने सुंदर व्याख्या करते हैं, इतने सुंदर, ये भागवत समाप्त करने के लिए उनको 1 साल लग जाते हैं। फिर माँ पार्वती कथा सुनाते हैं, लेकिन शंकर जी जितने सुंदर सुनाती है ना, माँ पार्वती उससे भी सुंदर सुनाती है। कहते वो और भी ज्यादा व्याख्या करती है। बोले कितना दिन में समाप्त करती है? बोले उनको 2 साल लग जाते हैं। इतने में स्वयं नारायण आए, बोले प्रभु ये दुनिया को तो मैं पालन कर सकता हूँ, लक्ष्मी को कैसे पालना करूं? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुनाओ। इसलिए जब नारायण कथा सुनाते हैं वो 1 महीना में कथा को पूरा करते हैं। फिर माँ लक्ष्मी स्वयं कथा सुनाती है, नारायण से भी ज्यादा सुंदर कथा सुनाती है लक्ष्मी। इसलिए ये 2 महीना लगाती है कथा सुनाने के लिए। इसका मतलब है केवल हम ही कथा सुन रहे ऐसे बात नहीं, जो कथा को ब्रह्मा स्वयं ये सृष्टि का काम ये भागवत की महिमा से करते हैं। शंकर जी दुनिया को जो संहार करते हैं ये भागवत की महिमा से। वो दुनिया को जो पालन करते हैं भगवान विष्णु, केवल ये भागवत कथा की महिमा से। इसलिए जिस समय श्री चतुसर ये भागवत कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोक भी प्रसन्न होकर के पुष्पों की बौछार की और दुंदु भी नागड़ा बजवाए, शंख बजाए और पारिजात पुष्प की बौछार करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। महानंद कुछ तो बोल रहे और कुछ चुपचाप बैठे, जो जितने जोर से भागवत की जयकार देगा, भागवत की थोड़ी जय, जय तो अपना ही है, बल्कि जो जितने जोर से जयकार देगा उसको अपना पाप खत्म होगा और उतना भक्ति आएगा। बस श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की। अभी लग रहा है कथा इसलिए देवता लोग भी प्रसन्न होकर के भागवत कथा की ये भी जय जयकार करते भागवत कथा की। इसकी जितने महिमा, केवल देवता नहीं, जब चतुसर ये भागवत कथा करने जा रहे थे कहां से लोग आए? बोले ब्रह्म लोग से, ऋषि मुनि लोग आए, स्वर्ग से देवता लोग छूट करके आए, जितने वशिष्ठ व्यास पराशर जितने ऋषि लोग भी किसी ना किसी रूप में कथा में आकर बैठ गए। गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया, ये सब का पुरी केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, ये सब के सब कथा में सुनने के लिए आए। एक संत कथा सुना रहे थे, एक संत जब कथा सुनने के लिए गए, सुंदर पैंडल लगा हुआ, उन्होंने देखा इतने ऋषि मुनि और जितने गोदावरी सरस्वती सबके सब नदियां सबके सब बैठ करके अंदर में कथा सुन रहे। वहां पर अंदर में प्रवेश करने का भी स्थान नहीं, क्योंकि सारे तीर्थ ऋषि भी कथा में आकर के बैठ गए। मतलब है
जहाँ पर ही भागवत कथा हो, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र जथा चुतादर कथा प्रसंग। बोले जहाँ पर भगवान की कथा हो पृथ्वी का सारे तीर्थ आकर वहीं बैठ जाते और बैठ जाते केवल नहीं, जो कथा सुनते हैं कथा रूपी गंगा में जो गोता लगाते हैं, समझो हम बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में यही गोता लगाते, बल्कि उससे भी ज्यादा महत्व है। बोले कैसे, जैसे गंगा, आप लोग हरिद्वार में कहीं गए हो, कौन कौन गए हरि के प्यार में, कौन कौन स्नान किया, आप देखना वहाँ लिखा हुआ होता है सावधान, अंदर में ज्यादा गहरा पानी है, सब जगह पे लिखा हुआ होता है। अगर थोड़ी सी आगे गए और डूबने लगे ना, पूरी खुदाई डूब जाओ, फिर निकलोगे नहीं, फिर तक पानी डूब कर मर जाओगे, इतने तेजी वहां पर पानी बह रहे, इसलिए लिखा हुआ सावधान सावधान। अगर गंगा में तो ज्यादा अगर जाओगे गोता लगाओगे तो मर जाओगे, लेकिन किसने कभी सुना कथा रूपी गंगा पर ज्यादा गोता लगाने से मर जाओगे ना, तर जाओगे, तर जाओगे। इसलिए बल्कि कहते जितना हो सके जितने डूब सकते हो कथा रूपी गंगा में डूब जाओ, जितना डूबोगे उतना तर जाओगे, उतना तर जाओगे कथा रूपी गंगा में नहाओगे तो। इसलिए जो कथा श्रवण कर लेते हैं तो सारे तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाता है, लेकिन भले ही सारे तीर्थ घूम घाम करके आ जाए, सारे तीर्थ हो, हमारे उड़ीसा और बंगाल में जब कोई तीर्थ करने के लिए जाते हैं ना, एक दो दो महीना के लिए जाते हैं, जब घूम घाम कर आते हैं, बोले एक महीना तो मैं मांस नहीं खाए, मछली नहीं खाए, आज बढ़िया करके मुर्गा लाओ और बढ़िया करके खाना बनाओ, जब पूरा तीर्थ घूम करके आ जाते हैं ना, बोले बढ़िया करके फीस बनाओ, इतना दिन से सब खाएंगे। इसलिए ये तीर्थों को क्या बताया जाते हो, हाथी स्नान। जैसे एक हाथी को अच्छे तरह से उसको स्नान करा दो, लेकिन पानी से उसको निकाल दो, वो सबसे पहले धूल भूलेगा, कहाँ पर धूल मिले, अगर धूल नहीं मिलेगा ना, प्यार का रोक करके धूल बनाएगा और सूढ़ में लेकर फिर कर बनाएगा, उसको बाद में फिर जाएगा, ये हाथी का स्वभाव है। इसका मतलब है, इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जो तीर्थ यात्रा से ज्यादा महत्व है शुद्ध भक्तों का संग है, बोले दर्शन पवित्र कर यही तुम्हारे गुण, जब भक्तों का मुखार बिंद से भगवत कथा रूपी गंगा में जो गोता लगा उसको लगा है। साधारण गंगा में नहाओगे तो आकर के फिर पाप करोगे, लेकिन कथा रूपी गंगा में स्नान करोगे, जैसे देखो आप बड़ोदरा से देखो, अब कथा रूपी गंगा में नहाते ना, देखो गले में कंठी है, तिलक है, माला है, सबके सब भगवान के भजन करते हो, बोले क्यों, बोले हमने कथा रूपी गंगा में हमने गोता लगा। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ये श्रीमद भागवत कथा रूपी गंगा में गोता लगा देते हो, बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में यही बैठ करके स्नान कर दिया, बल्कि उससे ज्यादा फल मिलेगा ये कथा रूपी गंगा में अगर गोता लगाओगे। बोले क्यों, बोले तुम्हारी हृदय की परिवर्तन हो जाएगी, हृदय में कृष्ण भक्ति रस संचार हो जाएगी, जैसे आप लोग सब माला जप कर रहे हो भगवान की, आप लोग जीवन तक तीर्थ बन गए, आप लोग जीवन तक तीर्थ आप लोग बन गए हो। इसलिए श्री भगवान कपिलदेव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ भगवान के हरिनाम कौन करता है, ये भगवान के नाम को कौन जप करता है, बोले माँ सभी हरिनाम नहीं कर सकते है? माँ ने पूछा तो बेटा कौन हरिनाम करता है, बोले पूर्व जन्म में जिसने चार चार काम कर चुके हैं तभी इसी जीवन में वो व्यक्ति हरिनाम कर सकता है। बोले चार काम क्या है, ध्यान देकर सुनो, इधर सुना पाता है सबके सब, देखो आप लोग सब कथा ठीक से सुनना, और कथा सुन करके ना तो बोले यही छोड़ करके नहीं जाना, ये कथा को अपना घर ले जाना, ठीक है ना, अरे इतना सारे बंद चला, आवाज ज्यादा हो, आवाज आ रही है आपको पीछे पीछे, देखो हम चाहते हैं आप लोग जितने कथा सुन रहे हो ध्यान देकर सुनो, जितने सबके सब आप कथा सुन रहे हो ये कथा को अच्छे तरह से मन लगा कर सुनो, फिर अपना घर पे जाकर के बच्चों को भी सुनाओ, तुम्हारी पड़ोसियों को भी सुनाओ, अड़ोसियों को भी सुनाओ,
और सबको भगवान की भजन में लगाओ, सबको भगवान की भक्ति में लगाओ, केवल ऐसे नहीं कथा सुनकर के नहीं छोड़ करके चले जाओ, ठीक है ना। सबके सब ठीक से सुना, और हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जब कथा सुन करके कोई जाओगे, बड़े गुरु जी कहते थे नवद्वीप परिक्रमा में, ब्रजमंडल परिक्रमा में, कहते थे एक एक व्यक्ति कम से कम 10-10 भक्तों को साथ में लेना। कितने कितने भक्तों को? ये बड़े गुरु जी कहते थे 10-10 व्यक्तियों को कम से कम 10-10 भक्तों को लेकर के आना है। तो गुरु जी कहते थे जब एक व्यक्ति को आप प्रभु की कथा सुना करके उनका हृदय परिवर्तन कर दिया, केवल एक व्यक्ति को प्रभु की कथा सुनाया दिल को बदला दिया, तुमको कितने पुण्य मिलेगा। कहते कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों हॉस्पिटल खोलते, करोड़ों करोड़ों स्कूल और कॉलेज खोलते, उसमें जो पुण्य मिलेगी केवल एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भक्ति में लगा दी, उससे करोड़ों गुण ज्यादा तुम्हें पुण्य मिलेगा। करोड़ों गुण बोले क्यों? इसको कपड़ा पहना दो दिन बाद में फट जाएगा, इसको खाना खिलाओ 2 घंटा बाद में भूख लगेगी, इसको दबा दे तो क्या बीमारी खत्म हो जाए? जितने जन्म जन्मांतर नहीं, लेकिन अगर एक व्यक्ति को प्रभु की भक्ति में अगर लगा दिया, एक व्यक्ति को अगर प्रभु की भक्ति में अगर तुमने लगा दी, उसको एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतर का सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर के चिरकाल के लिए प्रभु के पास में चला जाता है। जिसको भगवान कहते हैं यहाँ जाने पर जीव ये दुनिया में कभी आता ही नहीं, इतने महत्व है। इसलिए क्या करना, सारी कथा सुनना, और जितने अड़ोसी पड़ोसी है ना, अड़ोसी पड़ोसी को भी कथा सुनाना, कामों जी को, उनको भी प्रभु की भक्ति में उनको भी लगाना। लगाते हो नहीं? कितने व्यक्तियों को कितने कथा सुना के भजन में लगाया बता, कौन कितने व्यक्ति को लगाया? लगाया ना 5 लोगों को लगाया। देखो ये मेरे ने 4 लोगों को लगाया अपने, देखो प्रभु कह रहे 5, और नवीन प्रभु को देखो एक व्यक्ति ने इतने कितने लोगों ने जोड़ दिया। इसलिए आप लोग भी ना अगर एक एक नवीन प्रभु कर जाएगा ना, बात समझो ये पृथ्वी तर जाएगा, ये पृथ्वी पूरा करोड़ों ही भक्त भक्त, ठीक है ना। ये चीज को सुनो ठीक से, और यहाँ पर केवल आ करके हरि बोल हरे कृष्ण या नहीं, केवल यहाँ आए कथा सुना और चले गए, नहीं, कथा को एक मन से सुनो। एक देखो दुनिया की तो बहुत सारी कथा सुनाते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आना कथा ना कही गए, आना कथा ना सुनी गए, जल्दी मिली गए आने। मतलब क्या है, जब किसी दूसरे से मिलो ये मत पूछो तेरे घर में क्या बनाया था, क्या खाना खाई, तुम्हारे बेटी क्या कर रहे हैं, बहू कैसे नहीं, कहते दुनिया की बात मत करो, ये दुनिया की बात दुखमय है। किसी व्यक्ति को पास में बैठ करके संसार का दुख सुख करो, कोई बोलेगा बेटी की शादी नहीं हो रही, कोई बोलेगा बेटा बात नहीं सुनता है, कोई बोलेगा तेरे से बहू आई तेरे से पता नहीं बेटा क्या हो गया बात। आप कहना संसार क्या बोलोगे तो दुनिया की बात है, इसमें कोई अति सुख नहीं है, लेकिन जब भगवत चर्चा करोगे, भगवत कथा सुने, आनंद ही आनंद है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जब किसी दूसरे से मिलो कभी भी इधर उधर की बात मत करो, बोलो कितने माला तुमने जप की, भागवत ग्रंथ कितने पढ़े, भजन करते कि नहीं, ये जीवन दुर्लभ जीवन मिला है, जीवन को मत ऐसे कमाओ, भगवान की भजन करो तभी जीवन की सार्थकता, ठीक है ना। कभी भी दुनिया की कोई उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलना, ठीक है, केवल हरि चर्चा करोगे उसमें आनंद आनंद ही है, उसमें रस ही रस है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब एक दिन पूरा औरों को तो बहुत परिवर्तन हो गया, हम चाहते हैं एकदम ऐसे परिवर्तन हो, हर घर भगवान की धाम रखें, हर घर में जब प्रभु की कीर्तन कथा होगी ना, तो घर घर नहीं वो घर साक्षात गोलोक वृंदावन, वो घर गोलोक वृंदावन बन जाती है, जिस घर में हरि चर्चा हरि की नाम और कथा हो, ठीक है ना। इसलिए सबके सब दूसरे को भजन की कथा सुनाना। इसलिए भगवान कपिल देव कहते हैं
कौन व्यक्ति प्रभु का नाम ले सकता है? बोले पूर्व जन्म में जो चार काम करके आया है, कल मैं पूछूंगा चार काम किया क्या किए, ऐसे सुनना जैसे कल मेरे को बताओ। यदि जो पूर्व जन्म में चार काम करके आया है तभी इसी जीवन में भगवान के नाम पूर्ण जीवा नहीं, जीवा के अग्र में केवल तब प्रभु का नाम ले रहा है। और जिसको पूरा जीवा प्रभु का नाम ले रहे हैं समझो, और दो कान में जो कथा सुन रहे हैं, दोनों आंखों से जो ठाकुर का दर्शन करते हैं, जब उनकी सौभाग्य तो हम बता ही नहीं सकते। वो इतने पुण्यात्माए क्या चार काम है ध्यान देने से सब सब। पहला है कहते अहो पद सपोच अतो गरियान। भगवान कह रहे हैं अगर जो हरि नाम करते हैं अहो, अहो मतलब क्या है, वो कितनी बड़ी पुण्यात्मा, करोड़ों करोड़ जन्मों का उसकी सौभाग्य उदय हुआ तभी इसी जीवन में भगवान के नाम ले गया। बोले अहो पद सपोच, सपोच मतलब होता है वो अगर चंडाल क्यों नहीं हो, अगर चंडाल होकर के भी अगर भगवान के नाम जब करता है क्या समझो, इतना वो महान है। चार काम क्या किया, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ करके आया है, क्या करके आया है पूर्व जन्म में सारे यज्ञ करके आया है। दूसरा काम क्या, पूर्व जन्म में सारे तीर्थ उसको घूम चुका है। चौथा काम क्या, बोले पूर्व जन्म में उसने सारे दान पुण्य करके आया है और पूर्व जन्म में उन्होंने सारी तपस्या करके आया है, तभी इसी जीवन में केवल जीवा के अग्र में भगवान के नाम को ले रहा है, ठाकुर जी की नाम को ग्रहण कर रहा है। इसलिए ये अधिक महीना है, अधिक महीना है, इसलिए हम कोशिश करेंगे तथा विश्राम होगा ना, रोज रोज एक माला करने के लिए, क्योंकि एक माला करोगे तो कितना माला करने का फल मिलेगा, सौ माला करने का फल मिलेगा। ये महीना की इतने महत्व, ये अधिक महीना का है, ये पुरुष उत्तम महीना की बड़ी महत्व है। इसलिए भा मतलब क्या है, बोले भा की सर्वेश लोकेशु, बोले का मतलब क्या, बोले कियते नारदा दिवि, बोले ये भगवत भागवत को कथा को बोलने वाले कौन, बोले साधारण व्यक्ति नहीं, जो स्वयं भगवान की मुखनिष्ठ वाणी, ये भागवत सर्वप्रथम भगवान कृष्ण स्वयं अपना मुखार बिंद से किसको, ब्रह्मा जी को दिया है, हैं चतुश्लोकी रूप में दिया, यही चतुश्लोकी ये व्याख्या रूप में ये श्रीमद् भागवत, इसलिए इसका नाम भागवतम। क्यों, बोले भा मतलब जो साक्षात भगवान के मुंह से निकली, और भागवत मतलब जिसमें केवल हरि चर्चा, और भागवत मतलब जिसमें केवल भगवान की शुद्ध भक्तों को ही कथाएं, जिसमें कहीं इधर उधर की बात नहीं। इसलिए भाति सर्वेश लोकेशु, बोले कियते नारद आदि भी, जिस कथा को नारद आदि सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषि जिसको ब्रह्मा चतुसर की कथा को ये बड़े बड़े ऋषि लोग दान करते हैं। बोले बोले मतलब होता है वरिष्ठ सर्वशास्त्र, जितने सारे शास्त्रों में ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किया है, बोले ये श्रीमद् भागवतम। इसलिए व्यास धर्म जी ने जब उन्होंने सारे ग्रंथों को रचना की लेकिन शांति नहीं मिली, लेकिन पूर्ण रूप में शांति कब मिला, जब ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना की। मतलब है अगर जीवन में ये भागवत कथा को अगर हम सुनेंगे, जीवन में हमें पूर्ण रूप में शांति तभी मिलेगा जब ये श्रीमद् भागवत कथा को आप श्रवण करेंगे। तभी तो आप लोग कथा सुन करके तिला दिला के कटी माला, तभी तो जम कर रहे हो ना, तभी तो जम कर रहे हो। इसलिए कहते वरिष्ठ सर्व शास्त्र, इसलिए भागवत की इतने महिमा, कहते भागवत है क्या जी, कहते सर्व वेदांत सार ही श्रीमद् भागवत विश्यते, तत् रसामृतस्य कृतस्य नान्यत्र स्यात् रतिः चित्। इसका मतलब है कहते सर्व वेदांत सार ही ये भागवत है, जितने वेद का सार है, वेदांत का सार है और महाभारत का सार है,
गायत्री का व्याख्या की श्रीमद् भागवत है। इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति ये भागवत कथा सुन लिया समझो सब कुछ कथा सुन लिया और कोई पुराण पढ़ने का बाकी नहीं रह गया। इसलिए भागवत को बताया निगम कल्प तरूर गलितम फलम वेद रूपी कल्प पृथ्वी का जो पका हुआ फल श्रीमद ये भागवत है। अगर इसका रस इसको मिल गया ना भले दूसरे रस में तुम्हारी कोई स्वाद ही नहीं रहेगा और किसी कथा सुनने की तुम्हें इच्छा नहीं करेगी। इसलिए व्यास देव जी जब सारे ग्रंथों को लिखे जब श्री नारद जी आए तब नारद जी कहते हैं तुमने भगवान कृष्ण की जो प्यारी प्यारी तुमने कथा सुनाई कि नहीं बोले नहीं बोले कृष्ण कैसे भगवान होकर के सखाओं को झूठे बिठाते थे की बात बताए बोले नहीं बोले कृष्ण कैसे भगवान है अगर कभी कटिया नटखट करता है कभी मक्खन खा लेते हैं अगर भैया कभी पूछता है क्यों लाला तेने मक्खन खाई कृष्ण डर से बोलते थे भैया मरी मैं नहीं मक्खन खाया। अगर कभी मटकी फोड़े तो भैया क्या कहते उत्कल में बात देते बोले ये बात बताए बोले नहीं बोले शांति कैसे मिलेगी बोले तुमने ये बताए जब भगवान रास करते करते जब गोपियां थक जाती हैं कृष्ण कहते थोड़ा चरण दबा दो अगर पसीना निकले तो पसीना को दोपटा से पोंछ पोछ लेते हैं तुमने ये बात बताई बोले नहीं बोले शांति कैसे। इसलिए कहते भागवत में ये चीज को वर्णना करो भगवान कैसे पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी कैसे ब्रजवासियों का प्रेम में भगवान कैसे वशीभूत हो गए ये बात भी लिखो तभी तुमको शांति मिलेगी है तभी शांति मिलेगी। इसलिए बाप मतलब होता है वरिष्ठ सर्वशास्त्र सो बलता मतलब बलता नीच भवा है जब अपार संसार समुद्र से तुम भजा मही भागवतम स्वरूपम मतलब है समुद्र देखे ऊपर को समुद्र देखे समुद्र ये भगवान समुद्र आप लोगों ने नहीं देखे ना कभी जगन्नाथ पुरी जाओगे ना तब तो समुद्र देखोगे चलो जगन्नाथ रथ यात्रा आएगी ना सबके सब चलो जगन्नाथ जी रथ यात्रा में चलो प्लानिंग करो अभी जगन्नाथ जी रथ यात्रा आएगी बाहर सारे तो समुद्र दिखाएंगे और समुद्र में स्नान करना और ठाकुर जी कैसे खीर चोरी किया खीर चिरा गोपीनाथ रथ देखोगे ठाकुर जी कैसे साखी देने के लिए वो वृंदावन से चलते चलते पूरी तरह चले गए ठाकुर जी चलते कैसे चले गए और ठाकुर पुरी में ना अद्भुत अद्भुत चीज देखोगे हर जगह में देखोगे ठाकुर जी खड़े हुए लेकिन पृथ्वी में एक ही जगह मिलेगा जहाँ ठाकुर जी बैठे हुए बोले क्यों बोले श्री गदाधर पंडित जब ठाकुर को सेवा नहीं कर पाए महाप्रभु का विरह से बोले मेरी सेवा नहीं हो पाएगा आप कोई दूसरे सेवक को ढूंढ लो बोले भैया मैं कहाँ से सेवक को ढूंढूंगा सवेरे आकर के देखना मैं बैठे नहीं आगे आप देखोगे ठाकुर जी स्वयं बैठे हुए हैं कौन कौन पूरी गए हो वहाँ पर सब चीज को देखोगे बढ़िया बढ़िया चीज देखोगे चलोगे जगन्नाथ रथ यात्रा कौन कौन जाएगा फिर जाने के लिए भी कोई तैयार नहीं कई हाथ नहीं उठा रहे हरे कृष्ण। इसलिए यहाँ पर इसलिए बोले तारणी जगत जो समुद्र है ना इसका कोई मूल और किनारा है आर पार लेकिन हम जो समुद्र में पड़े हुए हैं पता नहीं भगवान को कब से भूल करके ये संसार को भी समुद्र में पड़े हुए पर इसका कोई आर पार नहीं लेकिन अगर ये समुद्र से पार होना चाहते हो केवल एक उपाय है बोले कौन सा उपाय बोले केवल ये भागवत कथा श्रवण करो सात दिन तक कथा सुनोगे ना जब कथा समाप्त होगे तो बड़ोदे में नहीं कहाँ पर पहुँच गए श्री जगन्नाथ जी चरण में पहुँच गए भगवान के धाम में पहुँच गए ठाकुर जी चरण में पहुँच गए देखो यहाँ पर नहीं गोलोक वृंदावन में पहुँच जाओगे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्य की बात है जो कि ये सात सात दिन तक ये अधिक महीना नहीं ये सात सात दिन तक हम कथा सुनते ठीक है ना। इसलिए जिस समय श्री मोकर ने कथा सुनाई सभी के लिए रथ आया नहीं केवल एक व्यक्ति के लिए रथ आया किसके लिए रथ आया था धुंधुकारी के लिए रथ आया और जितने लोग बैठे हुए थे ना किसी के लिए रथ नहीं आई इतने में गोकर्ण प्रश्न करता है जब ध्यान देते सुने
यदि गोकर्णा प्रश्न करता है, यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हुए, आप एक ही रथ क्यों लाए, सभी के लिए क्यों रथ नहीं आए? बोले देखो यहाँ पर ना केवल एक व्यक्ति ही कथा सुना है। बोले कैसे बता रहे हो, यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए? बोले बैठने पर थोड़ी होता है, जब तक कथा नहीं सुनोगे, ध्यान से नहीं सुनोगे, जो मन से ध्यान से जो कथा है ना, केवल ये धुंधुकार ने सुनी है, इसलिए उसी के लिए रथ आया और किसी के लिए रथ नहीं आए। मतलब फिर रथ कैसे आएगी? मतलब पहला नंबर है विश्वास और गुरु वाक्य से। पहले गुरु की वचन के ऊपर में तुमको विश्वास करना पड़ेगा, ये सबसे पहला नंबर है। उसको बाद में मतलब स्वस्मी ने दिनत तो भाव कथा सुनने के लिए अभिमान से कथा नहीं, तीन ही भाव से कथा सुन, अभिमान से नहीं। देखो हनुमान का नाम सुने हो, कौन कौन हनुमान ज्ञान कर सब ज्ञान कर हनुमान जी कौन है? बोले ज्ञानी नाम अग्रगण्य, बोले ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हनुमान। लेकिन जब हनुमान जी कथा सुनते हो, जानते हो कैसे अज्ञानी बन करके, ज्ञानी बन करके नहीं, हाथ जोड़ करके, आंखों से आंसुओं को बहाते हुए, जिनकी एक एक रोम खींचता हुआ होगा, ऐसे प्रेम से कथा सुनते हैं। इसलिए बोले स्वस्मिनी दिनत्व भावनम, तीन ही भाव हो गए कि हमसे सबके सब बड़े और हम सबसे छोटे, मैं सबसे छोटा हूँ और हमसे सबसे बड़े। अगर ये भाव आया नहीं, हम सबसे बड़े हम ही हैं, हमसे सबके सब छोटे, फिर ऐसे नहीं कथा, ऐसे नहीं सुननी चाहिए। इसलिए बोले स्वस्मिनी दिनत्व भावनम और मान दोष जगह से सा। फिर तीसरा नंबर क्या है? हाँ देखो, इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भजन में फल कब मिलेगा? बोले कम से कम तुमको पांच नियम का पालन करना पड़ेगा। कितना नियम? अभी सुनो, कल मेरे मैं देखूंगा कल मेरे कौन बोल पाता है। पहला नंबर है बोले लय। लय मतलब होता है कथा सुनते सुनते समय सोना नहीं, कथा सुनते समय सोना नहीं, ये पहला नंबर है। दूसरा नंबर है विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है जब कथा सुनो, जब भगवान के नाम जब करो, विक्षेप का मतलब होता है अरे अभी तो माला खत्म नहीं हुआ, रोटी तो ठंडा होने जा रहा है, खाना था अभी तो ये माला पूरी नहीं हो रही है। देखो देखो कभी कभी आप देखना कुछ कुछ लोग तो माला लेते हैं भजन के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद में माला छोड़ देते हैं। जानते हो क्यों छोड़ देते हैं? चीजों ध्यान कर सुनो, क्यों छोड़ देते हैं? उनको भगवान के नाम में रस क्यों नहीं आता है? कारण क्या? बोले कारण है वो भजन ठीक से नहीं करते। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कुछ समय निकालो, ऐसे कुछ समय निकालो जो है ना एक जगह पर बैठ करके हृदय से पुकार पुकार कर हरिनाम करो। कोई बिजनेस से तुम फेल हो सकते हो, लेकिन अभी तक भक्ति रूपी बिजनेस से कोई फेल नहीं हुए। इसलिए विराज जी कहते हैं ना दीन दीन बड़त सबायो पायो जी ने राम रतन पायो जी ने राम रतन धन पायो। भैया ये जगत का किसी बिजनेस से फेल हो सकते हो, लेकिन जिसने भक्ति रूपी बिजनेस किया ना अभी तो कोई फेल नहीं हुए। कोई भी बताओ, हनुमान जी फेल हुए, तुलसीदास जी फेल हुए, मीरा फेल हुई, श्री प्रहलाद ध्रुव फेल हुए, सक्सेसफुल हुए, सबके सब सक्सेसफुल, कोई भी फेल नहीं हुए है। इसलिए फिर हम क्यों फेल हो रहे हैं? भले हम क्यों फेल हो रहे हैं? कारण है हम ठीक ठीक से हरिनाम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हरिनाम करने के लिए ध्यान देकर सुना, सवेरे कुछ समय निकालो, एक जगह पर बैठ करके हृदय से पुकार पुकार करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। अब देखना थोड़ी सी समय भले हो, आधा घंटा हो, नहीं तो एक अगर थोड़ी समय हो, अब हृदय से भजन करो, हृदय से पुकारो, ठाकुर जरूर आवाज देंगे।
फिर उसी समय में आपको ऐसे एक दिव्य अनुभूति हुई गई, आप कभी जिंदगी में माला नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी दुनिया छूट जाएगी लेकिन माला नहीं छूटेगी। एक दिन तो दुनिया तुमसे छूटेगी, एक दिन दुनिया तुम्हें छोड़ने वाले, तुम भी दुनिया को छोड़ने वाले हो। दुनिया एक दिन तुम्हें छोड़ेगा, तुम भी दुनिया को छोड़ोगे, लेकिन प्रभु कभी तुमको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। इसलिए कुछ समय निकाल करके हृदय से प्रभु का नाम जप करो, हृदय से प्रभु का नाम को पुकार पुकार करके जप करना, देखना कभी माला। इसलिए दूसरा नंबर विक्षेप, विक्षेप का मतलब है देखना, जैसे भजन कर रहे हो, मन नहीं लग रहा, मन छटपट छटपट कर रहा है, तब टीवी देखेंगे, जब बात करेंगे, ये था मन नहीं लगता है, नहीं नहीं कहते भक्ति करते समय बैठ करके कुछ समय भजन करो, इसको कहते विक्षेप। जो तीसरा है बोले अभिनिवेश, बोले अभिनिवेश मतलब क्यों फल में हरिनाम में क्यों हमें फल नहीं मिलता है। अभिनिवेश मतलब होता है जैसे हरिनाम कर रहे हो, लेकिन ये हरिनाम करते समय कोई दूसरी चीज की याद कर रहे हो, जैसे भरत महाराज भजन कर रहे थे लेकिन उन्होंने थोड़ी सी हिरण का प्रति आसक्ति हो गई, दूसरे जीवन में हिरण बन करके आ गए। इसलिए भजन कर समय दूसरी चीज को याद नहीं करनी चाहिए, इसको कहते हैं अभिनिवेश। पर जो चौथा है बोले रसास्वाद, रसास्वाद का मतलब क्या, आप माला जप कर रहे हो, इधर माला भी चल रहा है, मुंह भी चल रहा है, लेकिन मन है ना किसी दोस्त के पास में चला गया, नहीं तो बोल बोल के दुकान में चले गया, नहीं तो किसी फ्रेंड को पास में चला गया, नहीं तो किसी दुकान पकाने में चला गया, इधर भी हाथ चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम, इधर तो माला चल रही है, मुंह भी चल रही है, मन और किसी चीज को याद करते करते खुश हो रहा। अगर गोल गप्पे खाते तो सिनेमा हॉल में जाते तो दोस्त भजन में हरिनाम को फल प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर विष्णु दूत ने कहा देखो कथा तो सुनने के लिए आए थे लेकिन किसने तो लास्ट में आया, किसने आधार में आया और किसने बैठ करके मन में ले आया, फिर फल कैसे मिलेगा। इसलिए कथा सुनने के लिए कैसे सुननी चाहिए, हनुमान जैसे, हनुमान जैसे मतलब कथा से पहले आओ, जैसे किसी फिल्म देखने जाते हो बताओ कब जाते हो, बीच में ना एंड में जाते हो, कब जाते हो, कोई सीरियल चल रही है फिल्म कब जाते हो, आगे जाते हैं। और दूसरी बात देखो, फिर यहाँ पर प्रसाद भी है, यहाँ पर भी खाने के लिए भी चिंता नहीं, कथा के बाद में कथा प्रसाद फिर भगवत प्रसाद दोनों चीज मिलेगा। इसलिए कथा से कथा को बाद में नहीं, कथा को बीच में नहीं, कथा से पहले, कथा से पहले आओ, एक मन से कथा सुनो। इसलिए जब विष्णु रूपनी किसी को बात बताएगा होकर मैंने कहा तुम लोगों ने देख लिया कथा तो सुने, बैठ लिखना में फल ही नहीं मिला क्योंकि ठीक ठीक से सुने ही नहीं, इसलिए कल से फिर दोबारा सुनाऊंगा। हैं सत्य सब एक मन से कथा सुनना, और कथा से पहले आकर के कथा सुने तो कथा सुनना, लेकिन फिर जाओगे जाओ फिर क्या घर में जाकर लड़ाई झगड़ा करना शुरू करो, नहीं घर में जाकर के जो कुछ करो ठाकुर जी की सेवा मान के करना, हाथों में जो कुछ करना सेवा मान कर करना, और मुंह में क्या करना भगवान की नाम जप करना, हाथों में नाम और मुंह में ठाकुर जी की नाम का। ऐसे जब सात दिन तक कथा सुने ना, जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए रखाया, सबके लिए रखाया, और सबके सब रात में बैठ करके भगवान का धाम को चले गए। इसलिए अगर हम लोग ऐसे कथा सुनेंगे तो हम सभी के लिए रथ आएगा, और विशेष करके अधिक महीना है कि अधिक महीना में कथा सुनने का तो बहुत बहुत ही पुण्य है, जो सोच भी नहीं सकते हो इतने महिमा ये अधिक महीना में कथा सुनने का, ठीक है ना। कल एक ही व्यक्ति 10-10 भक्तों को लेकर जाने का, कितने कितने भक्तों को लाभ, 10-10 भक्तों। इसलिए हमारे श्री तकरीबन हरे कृष्णा, देखो हमारे मित्र प्रभु का प्रभु जी आज किसने प्रसाद लिए आए, प्रसाद देने वाले आए, इधर
दर्शनम आता है, ध्यान देख सबके सुना। देखो ये कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये कोशिश कर रहे हैं ये भक्त लोग, हरे कृष्णा, यदि ये कोशिश कर रहे हैं जैसे जैसे सात दिन तक कथा हो, कथा भी प्रसाद मिले और पैसे भी प्रसाद मिले, दो तरह का प्रसाद मिले, कथा प्रसाद और भोजन प्रसाद। इसलिए कोशिश कर रहे हैं सात दिन तक भोजन भी मिले और सात दिन तक कथा भी मिले। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप सब लोग मदद करोगे, जब सब लोग मदद करोगे तभी। और इसी महीना में अधिक महीना है ना, एक अन्न देने का बड़ा महत्व है, एक अन्न देने का बड़ा महत्व है इसी महीना में, बड़ा महत्व है। इसलिए आज का जो दिन है प्रभु जी प्रसाद, प्रभु शंकर प्रभु की आज सभी के लिए इतने प्रसाद आशीर्वाद करिए, खूब फलते फूलते रहे और खूब साधु संतों की सेवा करिए, घर में लक्ष्मी की कृपा हो। भगवान कहते हैं ना भागवत में, एक अन्न का दाना दे दो जन्म जन्मांतर का भी वस्त्र अन्न के घर में अभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और देखो अगर कोई इच्छा कर प्रसाद निकला, एक नहीं कर रहा है, अगर चार पांच मिलकर के ली, चार पांच अगर कोई से आटा दे दिया, अगर आलू कोई तेल दे दिया, तभी भी हो सकता है सात दिन तक प्रसाद हो जाएगा। एक व्यक्ति नहीं देकर चार पांच छह व्यक्ति अगर मिल करके अगर कुछ कुछ अगर दे दोगे, अगर सभी को मुंह में अन्न की दाना जाएगा, जगन्नाथ जी की सेवा में, भक्त सेवा में, हर तरह से कल्याण कल्याण है। इसलिए हम चाहते रोज रोज प्रसाद हो और घर में जाकर भोजन बनाना नहीं पड़े, यहाँ सीधा कथा सुना, ठाकुर जी के आरती दर्शन करो और सीधा घर में जाओ, पास विश्राम कर लो, ठीक है ना। अभी श्री कबीर प्रभु की कथा सुनाएंगे और एक बढ़िया सुंदर प्रभु से भजन सुनाएंगे। ओम अज्ञानंत विरांदस्य ज्ञानंजन छलाकया चक्षुरुन्मीलितमियं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियतमे श्रीशिवाय भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामिते नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव नित्यानंदा प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी जी के चरण कमलों में अनंत कोटि गुण ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात मैं शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कुंडों में अनंत कोटि गुण ज्ञापन करता हूँ। उसके उपरांत वृंदावन से आए श्रीपाद धोरीलाल प्रभु जी और अन्य समस्त वृंदावन से आए भक्त के चरणों में मेरा कोटि कोटि गुण प्रणाम है। और यहाँ बड़ौद के समस्त भक्तों के वैष्णव वैष्णवों के चरणों में कोटि कोटि गुण प्रणाम है। आज बहुत सुंदर दिन है, सौभाग्य वाला है, हमें गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं साक्षात हृदय में। स्मरण पठन में तो हम करते ही हैं, लेकिन जब साक्षात होते हैं तो उसके पढ़कर कोई भी दिवस नहीं होता। देखिए जिस धारा में हम लोग हैं, चैतन्य महाप्रभु की धारा। माता जी बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, बस अभी आधे घंटे में समापन हो जाएगा। जिस धारा में हम लोग आए हैं वो साधारण धारा नहीं है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की धारा में और इस गौरव के साथ हमें भजन करना चाहिए कि साक्षात गुरु परंपरा में हमारे स्वयं अकेले कृष्ण भी नहीं, राधा कृष्ण मिलित स्वरूप श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, जिनके समस्त प्रकार का वर्णन पूरा जीवन क्या कई जन्म भी लग जाएंगे, शेष जी जो है कई जन्मों से भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं तो भी नहीं पूरा होता। अब चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत जरूरी है। जो हरिनाम संकीर्तन हम कर रहे हैं वो क्या है, वेद पुराण और श्रीमद् भागवतम ये क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु का सुंदर चरित्र से हमें समझ में आता है। यदि वेदों का सार देखा जाए तो श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवतम खुद ही सार है,
और महाराज श्री हमेशा बताते हैं ये ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली, बस रस ही रस है। और वो रस ऐसा है उसको निरंतर हमें पान करना चाहिए, और उस रस को हमें मुख से नहीं कानों को डोला बना करके पान करना चाहिए, और इतना पियो कि नशा इतना ज्यादा हो जाए, जब नशा कम होने लग जाए फिर पीना शुरू कर दो। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता है, और इस बार महाराष्ट्र की स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हम नहीं चाहते थे कि खूब बड़ा आयोजन हो, महाराज जी को तकलीफ हो, क्योंकि काफी समय से अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए मठ में ही आयोजन हुआ। और आप सबके जो है सौभाग्य से, आप सबकी इच्छाओं से महाराज जी का दर्शन सुलभ हुआ। तो एक बार महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां। तो चेतन महाप्रभु की धारा में हम आए, उस गौरव को हमें समझना चाहिए। क्या ऐसा अंतर है दूसरे वैष्णव धर्मों में और चेतन महाप्रभु के द्वारा प्रदान किए हुए वैष्णव धर्म में, उस चीज को समझना चाहिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, भगवान श्री राम जी आते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, अन्य अन्य अवतार विष्णु अवतार आते हैं, और वो जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं उपदेशों के द्वारा। क्या कि जीव जो है मेरा उतना ही प्रिय है जितना कि हम अर्जुन भीष्म पितामह इत्यादि अन्य अन्य बड़े बड़े भक्तों को सुनते हैं। आप सब हम सब जो है भगवान उतना ही ज्यादा प्रेम हम सबको भी करते हैं, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करना नहीं चाहते, कारण हम अनादि काल से इस संसार चक्र में फंस करके भगवान से विमुख हो गए, और भगवान से विमुख होने के कारण हमारी जो भगवान से संबंध है उसको भूल गए। भगवान से हमारा संबंध शाश्वत है, सनातन है, उसको भूल गए। भगवान वापस यहाँ पर आते हैं और उसी संबंध को किसी ना किसी तरीके से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। गीता में भी कह रहे ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मतलब जीव जो है मेरा ही अंश है, और अंशी कौन है? भगवान स्वयं। तो भगवान के अंश होने के कारण भगवान जैसे गुण हम लोगों के अंदर विद्यमान है, आत्मा के अंदर विद्यमान है, जो भगवान सत्य चित्त आनंद विग्रह स्वरूप है, ऐसे ही आत्मा है, और उस आनंद सुख को हम भूल चुके हैं क्योंकि अनादि काल से माया के संसर्ग में आकर के इस क्षण भंगुर सुख को प्राप्त करने के लिए यहाँ बार बार दुख भोग कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की धारा में आने का और अन्य वैष्णव धर्मों में क्या अंतर है इसको समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण आते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, मुझे ही भजो, और हर प्रकार से मैं ही समस्त ईश्वरों का ईश्वर हूं। हृदय में हाथ रख के समझाते हैं, लेकिन जीव उस चीज को समझता नहीं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि मेरा और आपका अर्थात भगवान और समस्त जीवों का जो संबंध है वो प्रेम पर टिका हुआ है, और प्रेम भी ऐसा नहीं अत्यंत दिव्य, अत्यंत निर्मल, अत्यंत शुद्ध प्रेम। उस शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना ही जीव का एकमात्र कर्म है, और हम उस कर्म को भूले बैठे हैं। संस्कार संसार का समस्त छोटे कर्मों को पकड़ के बैठे हैं, जो कि शारीरिक कर्म आत्मा का मेल भी कर्म नहीं करते, जिससे कि आत्मा को भगवान के चरणों की प्रीति मिल सके। तो चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण जितने भी भगवान के अवतार हैं, सबसे ज्यादा औदार्यपूर्ण है चैतन्य महाप्रभु, सबसे ज्यादा करुणामयपूर्ण है। श्री कृष्ण भगवान एकमात्र उपदेश प्रदान करते हैं कि मुझे प्राप्त करो, मुझे भजो, लेकिन
उस प्रेम को दान नहीं करते। अर्थात जिस प्रकार से मैं कहूं कि देखो इधर से तुम जाओ 1 किलोमीटर और उधर एक चौराहा आएगा, उस चौराहे से बाएं तरफ एक दुकान आएगी, उस दुकान के ऊपर एक और दुकान है, उस पर जाकर के तुम्हें ये दवा मिलेगी, इसको ले लेना। लेकिन अब तुम्हारी इच्छा होगी तो जाओगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं जाओगे। तो श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे उपदेश दे देते हैं, मार्ग बता देते हैं, भगवान कौन है ये बता देते हैं। तुम यदि साधन करोगे, यदि मुझे पूछोगे, मुझे दंड प्रणाम करोगे, हरिनाम करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, उपदेश दे देते हैं। लेकिन वो प्रेम दान नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु ने वो जो समस्त अवतार हर प्रकार से येन केन प्रकारेण अपने भक्ति में लगाने का उपदेश प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उस सुप्रेम को साक्षात जो है दान किया, अर्थात खुद जाकर के उस प्रेम को लेकर आए और समस्त जीवों को प्रदान किया, जो उसके अधिकारी थे और जो उसके अधिकारी नहीं थे, सबको एक साथ प्रेम प्रदान किया। समस्त मनुष्य को तो प्रेम दिया ही गया, यहाँ तक कि पशुओं को, पेड़ों को, सबको उन्होंने प्रेम दान किया। तो इतना बड़ा अंतर है, चैतन्य महाप्रभु इतना ज्यादा करुणा में है जिसकी हम अभी इस संसारी बुद्धि से उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण भगवान से ज्यादा तो करुणा में हमारी राधा रानी, राधा रानी हर प्रकार से प्रेम दान करना चाहती है और करती भी, समस्त गोपियों को, समस्त लोगों को, समस्त जीवों को प्रेम दान करना चाहती है। लेकिन वो भी संकोच कर जाती है। कहां संकोच करती है? गुरु तत्वों में, अपने सासू मां, अपनी माता, अपने जेठों को, अत्यंत जितने भी गुरु वर्ग हैं, जितने भी बड़े हैं, उनसे शर्म कर जाती है, उनको वो प्रेम दान नहीं कर पाता। तो मधुर जो प्रेम है उसका जो दान है, राधा रानी भी कहीं पर वो संकोच कर जाती है उस दान को देने में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी भी नहीं दे पाती, जो श्री कृष्ण भगवान भी नहीं दे पाते, वही मधुर प्रेम दोनों हाथों से बताते। हरि बोलो हरि की जय, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय। और वही प्रेम दान जो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जितने जीव थे वो तो उतर गए, लेकिन हम जैसों का क्या होगा? वही प्रेम गुरु परंपरा के माध्यम से, हमारे गुरुवर्गों से होते हुए वही शुद्ध प्रेम वो हम सबको वितरण हो रहा है। आज हम सब नए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अनुभव करोगे उस प्रेम को हम सब अनुभव करेंगे। देखिए जैसे मैंने बताया, एक व्यक्ति जाता है एक चौराहे से चले जाना, ऐसे उपदेश जो भगवान करते हैं कि ऐसे संदेश प्राप्त करेंगे। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने ये इंतजार नहीं किया कि जीव साधन करेगा या नहीं करेगा, प्रेम लुटा दिया, खुद प्रेम लेकर आ गया, भैया तुझे जाने कहीं जरूरत नहीं है, ये ले संभाल, और वो संभालने का तो प्रेम की बाढ़ में बह गया। तो आज समय काफी हो गया, ज्यादा समय देते हुए मुझे यही विराम देना है। धन्यवाद। श्रीदादे कुल वृंदावन विहारी लाल की जय, जय जय श्रीदादे। अब ये भजन के बाद आरती होगी ना महाराज जी, तो आइए सब लोग खड़े हो जाए, बस नृत्य करें। अरे कान्हा की दीवानी बन जाओ, हे कान्हा की दीवानी बन जाओ, अरे कान्हा की दीवानी बन जाओ।
Yeah.
पुजारी प्रभु आपको हरे कृष्णा। यहाँ पर कोई छलांग नहीं लगाना ठीक है, क्योंकि जो छात्र है ना बहुत पुराना छात्र है, इसलिए टूटने का डर है, सबके सब पैसे ना चाहिए। सनातन प्रभु, सनातन प्रभु जी आरती आरती करो। हरे कृष्णा, देखो कल सबके सब तिलक लगा के आना है, सब सब तिलक से लगा है, लेकिन और जो तिलक नहीं लगाए कल सबके साथ सबके सब पसना से मिट गया, कोई बात नहीं, बढ़िया से मिल जाएगा। Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
I'm gonna go to the
सिंगल गुरु से मिलिए, जो भी सभी देख सदस्य सबसे मिलिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।